हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 जून 2019 की प्रीलिम्स सबमिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम हमारी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे और इसमें धीरे धीरे जो और नए चेंजेज हैं, अपडेट हैं, वो लेके आएंगे। और देखो, इस बार की जो डिस्कशन है ये, इस डिस्कशन में हम बाकी और सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। तो एक दो दिन में जब हमारा फ्लो बन जाएगा, इसके बाद हम उस तरीके से इसमें नए नए चेंजेस हैं वो लेके आएंगे, ताकि प्रीलिम्स का कोई भी टॉपिक है वो इसमें ना रहे। और इसी के साथ मेंस की है, जो लोग इस बार 2019 में मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी सारा कंटेंट है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड है, वो किया जाएगा। तो देखते हैं आज का सबसे पहले न्यूज। सबसे पहले जो न्यूज है आज, वो आई है चागोस आर्किपेलागो के बारे में। तो क्या है ये, वो हम देखते हैं। देखो, आपको पता है कि इंडियन ओशियन है, वहाँ भी हम बात करें हिंद महासागर है, वहाँ पे एक मॉरिशस एक कंट्री है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे मॉरिशस कंट्री। और मॉरिशस कंट्री है ना, इसी का एक भाग है छोटे, क्योंकि मॉरिशस कंट्री आपको पता है छोटे छोटे आइलैंड की फॉर्म में बनी हुई है, तो उसी का एक आइलैंड की एक सीरीज है जिसका नाम है चागोस आर्किपेलागो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें वैसे तो 7 एटोल हैं या 7 आइलैंड हैं जिनको मिला के बेसिकली बना हुआ है। तो सबसे पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखना है कि चागोस आर्किपेलागो है वो कौन सी मतलब कंट्री का है या कौन सी टेरिटरी के अंडर आता है, तो ये आता है मॉरिशस के अंतर्गत। अभी देखो, कुछ टाइम पहले एक न्यूज ये थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई जो चागोस आर्किपेलागो है ना, वो बेसिकली मॉरिशस का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, जो कि यूके के द्वारा इसको डिकोलोनाइज है वो करने की बात कही गई थी। क्यों? देखो, मॉरिशस जब आजाद हुआ था ना, उस टाइम पे किया क्या था, जो ब्रिटेन, आपको पता है ब्रिटेन की टेरिटरी थी उस टाइम पे सारी, मतलब ब्रिटेन की कॉलोनी थी मॉरिशस स्टार्टिंग में, तो ब्रिटेन ने जो चागोस आर्किपेलागो था इसको अपने अंडर ही रखा था और मॉरिशस को अलग आजाद कर दिया था। बट अभी यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसने कहा कि नहीं भाई साहब, जो चागोस आर्किपेलागो है वो भी मॉरिशस का ही पार्ट है, आप इसे वापस है वो मॉरिशस को प्रोवाइड करवाइए। तो देखो, इंडियन ओशन में जो मोटी मोटी आइलैंड की लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इनकी सिक्वेंस वगैरह कई बार पूछ लेती है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो की लोकेशन ये है, और ये आपको पता होगा यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे मालदीप की लोकेशन है, इसी के साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो यहाँ पे द्वीप समूह स्थित है, और यहाँ पे सेशेल्स है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेडागास्कर दिख ही रहा है, और ये यहाँ पे इंडियन ओशन में जो मोटी मोटी आइलैंड थे वो हमने एक बार देख लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है BS6 नॉर्म्स को लेके, भारत स्टेज 6 की बात यहाँ पे की गई है। कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT है ना, उसने अभी गाइडलाइन या पे बोल सकते हो कि नए सर्टिफिकेट इश्यू किए हैं, किसके लिए, इंडिया का जो पहला 6 स्टेज का जो इंजन होगा टू व्हीलर का, उसके लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक तो ये है ICAT के हैं, तो ICAT के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसी के साथ ही भारत स्टेज 6 के हैं। देखो, एक फैक्ट ये है कि जो भारत स्टेज 6 के नॉर्म्स है ना, वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और भी जो तरह के कंस्ट्रक्शन व्हीकल हैं उन सब पे यह अप्लाई होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली 2 व्हीलर्स पे अप्लाई होगा, ओनली 3 व्हीलर्स पे, सारे जो व्हीकल्स हैं इंडिया में किसी भी तरीके के व्हीकल्स हैं उन सब व्हीकल्स पे ये नॉर्म्स अप्लाई हैं, वो होने वाले हैं, नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि BS6 है वो इंडिया में 1 अप्रैल 2020 से अप्लाई होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद इंडिया में 6th जनरेशन स्टैंडर्ड के जो इंजन है या गाड़ी है वही बिकेंगी, इससे पहले की कोई भी गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी। अभी करंटली इंडिया में आपको पता है BS4 है वो चल रहा है, इंडिया ने डायरेक्टली BS5 को हटाते हुए BS6 पे जाने की बात है वो की है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोल्यूशन की लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी दिशा में गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप है वो लिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट ने BS4 को बाद में डायरेक्टली 6 पर जाने की बात की है, और 6 में जाएंगे 1 अप्रैल 2020 में। तो ऐसे कुछ फैक्ट यूपीएससी की बार पूछ सकती है। अब हम देखते हैं ICAT के बारे में। देखो, ICAT का मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया की प्रीमियर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत, यानी हमारे देश के जो रोड मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक एजेंसी बनाई गई है। इस एजेंसी का काम यह है कि हमारे देश के जो भी नए इंजन या नई गाड़ियां वगैरह बनती हैं उनके टेस्टिंग करना, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना कि कितना पोल्यूशन एमिट कर रही है, कितना कम वगैरह, तो उन सब के लिए जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो ICAT के द्वारा ही जारी की जाती हैं। और ऐसी बात नहीं है केवल इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, जैसे कोई ये मान लो कि इंडिया के अंदर महिंद्रा कंपनी का एग्जांपल ले लो, महिंद्रा कंपनी बाहर से कोई प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट कर रही है गाड़ियों के लिए, तो उस पर भी ये नॉर्म्स है वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। वो कंपोनेंट जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हो या फिर इंडिया के लिए बाहर से प्रोड्यूस हो रहे हो बट उनका इफेक्ट इंडिया पे हो, उन सब के ऊपर ICAT के नॉर्म्स या गाइडलाइन है वो इफेक्ट पे काम करती है। अब हम देखते हैं BS4 और BS6 में डिफरेंस क्या है।
देखो सबसे जो मेजर डिफरेंस है ना BS4 और BS6 में वो है सल्फर कंटेंट को लेके, क्योंकि जो भी आपको बताया कि चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, वो सल्फर को एलिमिनेट सल्फर है उसको एमिट करते हैं जब भी मतलब इंजन में प्रोसीजर स्टार्ट होती है तो उस दौरान। अब जो मेजर पार्ट सल्फर होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है और इसकी प्रेजेंस को इसमें कम किया गया है BS6 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेन मोटो या मेन जो टारगेट है वो सल्फर कंटेंट की बात फोकस की गई, भाई सल्फर की मात्रा है वो कम एमिट होनी चाहिए। देखो इसमें यह है कि जो हम बात करें यहाँ पे अगर पेट्रोल इंजन की तो वहाँ पे लगभग 80% तक नई क्षमता है वो लेके आ जाएगी कि भाई 80% तक सल्फर की मात्रा है वो कम की जा सकी। और इसी के साथ जो डीजल इंजन है वो बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एमिट करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि डीजल इंजन है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एमिट करते हैं और उसमें जो मात्रा होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम बात करें वहाँ पे तो वो होती है 70% से 25% कम है वो की जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि BS4 और BS6 में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है राजस्थानी फोक डांसेस को लेके। देखो राजस्थान के दो मेन फोक डांस हैं वो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो एक तो है घूमर और एक है कालबेलिया। तो दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो घूमर और जो कालबेलिया डांस है ना इन दोनों को ही इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज है वो किया जा चुका है। घूमर है वो बेसिकली कम्युनिटी है उसकी वुमेन है उसके द्वारा परफॉर्म है वो किया जाता है, जो कि मेनली राजस्थान के उदयपुर जो कि लेक सिटी के नाम से जानी जाती है वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है फोक डांस है। इसी के साथ ही जो कानबेलिया डांस है उसको यूनेस्को के जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमिनिटी है उसमें शामिल किया गया है, कब से 2010 से। तो ये फैक्ट UPSC पूछ सकती है कालबेलिया डांस के बारे में। इसी तरह और भी छोटे छोटे डांस हैं जो कि UPSC में भी पूछ ले, एक तो है यहाँ पे तराई थाली, इसके साथ है यहाँ पे गैर डांस और एक है यहाँ पे चारी डांस। जो चारी डांस है ना वो गुज्जर कम्युनिटी की जो वुमेन है उनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तेरह ताली, गैर और इसी के साथ चारी डांस, ये तीनों भी राजस्थान के हैं, तो ये UPSC आपसे पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नल से जल स्कीम। देखो नल से जल स्कीम है ये है बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री की आप सोच के देखिए, ऑब्वियसली वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च है वो की जाएगी। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नई स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इसका मोटो ये है कि भाई एट एनी कॉस्ट 2024 तक इंडिया के सभी घरों में पाइपलाइन के थ्रू जल है वो प्रोवाइड करवाया जा सके, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक स्कीम आई थी। कौन सी थी वो स्कीम आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी थी, हमने काफ़ी बार उसको पढ़ा भी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। जो जल से नल स्कीम है ना ये जैसा मैंने आपको बताया कि जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है इसी के अंदर का एक पार्ट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो इसको इम्प्लीमेंट है करने वाली है। टारगेट ध्यान रखना कि 2024 तक सभी को पाइपलाइन के थ्रू साफ जल है पीने का वो प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है ना वो एनिमल ह्यूमन और इसी के साथ ही और भी तरह के जो मतलब स्पीसीज आप ले सकते हो उनका जो वेस्ट होता है उसमें पाया जाता है, मतलब ह्यूमन वेस्ट हो या फिर एनिमल वेस्ट हो इसके अंतर्गत कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया अगर पानी में पाया जा रहा है इसका क्या मतलब होगा कि भाई पानी है वो कंटेमिनेट हो चुका है, मतलब पानी प्रदूषित हो चुका है या तो सीवरेज के थ्रू या फिर जो फीकल है वो पानी में जा चुके मिल चुका है। इसीलिए इसका मतलब जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है अगर ये पानी में पाया जा रहा है इसकी मात्रा बढ़ती है कम हो रही है तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि भाई पानी है वो साफ है या कितना कंटेमिनेट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है और इसका यूज किस लिए मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह है वो इसका यूज कहाँ करती है कि पानी की सप्लाई है उसको चेक करने में कि भाई किस तरीके का पानी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी के साथ ही कोई भी एरिया हो वहाँ पे जो सैनिटरी कंडीशन कैसी है, पानी की सप्लाई किस तरीके से हो रही है, पानी साफ है नहीं है, उसका पता कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के द्वारा ही लगाया जाता है कि भाई अगर पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला हुआ है या ज़्यादा पाया जा रहा है इसका मतलब पानी साफ नहीं है वहाँ पे, उसके अंतर्गत प्रदूषित चीज़ें मिल चुकी हैं जैसे कि फीकल वेस्ट हो सकता है या और भी तरह के वेस्टेज। इसी के साथ ही आपने इकोली का नाम सुना होगा। इकोली है वो एक मेजर स्पीसीज है जो कि बेसिकली हम बात करें यहाँ पे फिकल में पाई जाती है, मतलब जो ह्यूमन वेस्ट होता है सीवरेज का पानी होता है उसमें इकोली बैक्टीरिया है वो पाया जाता है या इकोली जो स्पीसीज है वो वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है रिसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके, RTAs को लेके। रिसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट का देखो मतलब ये है कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो कि इंडिया है एक साइड और एक साइड आप ले लो चाइना। अब देखो
ओब्वियसली इंडिया भी ये चाहेगा कि चाइना के मार्केट की एक्सेस मिले ताकि इंडिया अपने प्रोडक्ट चाइना में बेच सके और वहाँ के मार्केट का यूज कर सके, और ऐसे चाइना भी चाहेगा कि हाँ भाई हम भी इंडिया के मार्केट का यूज है वो कर सके, वहाँ का जो भी ट्रेड वगैरह है उसका बेनिफिट हमें भी मिला सके। इसके लिए क्या होता है, दोनों कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं, हो सकता है दो कंट्री हो सकता है तीसरी कंट्री भी हो, जैसे मान लो कि थाईलैंड भी शामिल हो गया हो, तो इस तरीके से कितनी भी कंट्री हो सकती हैं वो आपस में एग्रीमेंट साइन करती हैं, तरह तरह के एग्रीमेंट, जैसे आपको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसी के साथ एक पीटी होता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसके साथ कस्टम यूनियन होती हैं, कॉमन मार्केट होते हैं, तो ये सारे जो तरह के एग्रीमेंट आपने जो अभी देखे हैं ये रिसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक हिस्सा है। रिसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि भाई साहब दो कंट्री या दो से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड को लेके जो फॉरेन मार्केट की एक्सेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए तरह तरह के एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो ही रिसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, मतलब ये जो सारे भी सीपीए हमने देखा है इसके साथ ही हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखा है, इसके साथ जो यहाँ पे कस्टम यूनियन बनती हैं ये सारे रिसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट का ही एक हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, यूपीएससी ने इस बार भी कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे थे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ट्रैफिक इंडेक्स 2018 को लेकर। देखो कंटेक्स्ट ये है कि ट्रैफिक इंडेक्स 2018 जो कि पब्लिश किया गया है टॉम, जो कि एक यहाँ पे एम्स्टरडेम बेस्ड एक कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पे इसको जारी है वो किया गया है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की 403 सिटी को काउंट है वो किया गया है, लगभग 56 कंट्रीज से और 13 नई सिटीज को काउंट किया गया, मतलब शामिल यहाँ पे किया गया है, तो ये तो परफेक्ट हमारे लिए याद रखने लायक नहीं है, बट आगे हम देखते हैं। देखो किस बेसिस पे ट्रैफिक इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, चलो दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली में मान लो कि करोल बाग है, आपको करोल बाग से जाना है मुखर्जी नगर। अभी मान लो कि करोल बाग से मुखर्जी नगर मतलब नॉर्मल जबकि ट्रैफिक नहीं होता है, या मान लो कि रात का टाइम जबकि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, उस कंडीशन में टाइम लगता है आपको 1 घंटा, तो वो तो हो गया नॉर्मल टाइम। और वहीं अगर हम बात करें दिन के पीक टाइम में तो उस कंडीशन में आपको लगता है करोल बाग जाने का मान लो कि यहाँ पे 1.5 घंटा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो 30 मिनट है ना वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लग रही है आपको, और उसी के बेसिस पे ट्रैफिक इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। जैसे देखो एक सेकेंड आपको मैं दिखाऊँ, जैसे देखो इंडिया की है जो मुंबई है वो वर्ल्ड की नंबर 1 सिटी रही है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम है वो लगता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। देखो मुंबई की जो रैंकिंग है वो है 65% मिला है मुंबई को वेटेज, 65% का मतलब ये हुआ कि मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना टाइम लगता है ना उससे जितना टाइम सॉरी लगना चाहिए, जैसे मान लो कि 1 घंटा लगना चाहिए तो 1 घंटा टाइम नहीं लगता, वहाँ टाइम लगता है 1 घंटे से 65 मिनट ज़्यादा। जैसे मान लो कि 100 मिनट लगनी थी तो वहाँ पे 165 मिनट की जर्नी है वो होती है, मतलब 65 मिनट एक्स्ट्रा लगती है। जैसे कि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का जो यहाँ पे रैंकिंग है वह ये 58% है, 58% का मतलब क्या हुआ, दिल्ली में जो नॉर्मल टाइम्स है उसकी कंपेरिजन में 58% टाइम ज़्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इस तरीके से इंडेक्स है वो जारी किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है जारी कौन करता है, टॉम जो कि एक एम्स्टरडेम बेस्ड एक कंपनी है उसके द्वारा इसको जारी की जाती है। मुंबई है वो वर्ल्ड की मोस्ट ट्रैफिक कंसंट्रेटेड सिटी है वो पाई गई है, इसके साथ ही दिल्ली है वो 4th प्लेस पे है, तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको मतलब डिसाइड हो किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि नॉर्मल टाइम से जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उस बेसिस पे ट्रैफिक इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो देखो ये थी आज की हमारी न्यूज डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।